फ्रेंड्स, वेलकम टू काजल्स किचन। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज हम बनाएंगे चीज़ी टिक्की। उसके लिए मैंने यहाँ पे 7 से 8 जो पोटैटोज़ हैं उसको बॉईल कर लिया है और उसको मैंने हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से मैश भी कर लिया है। इस तरीके का जो फोक होता है ना, ये आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसमें कुछ चीज़ें हम और ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें सॉल्ट डालने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने उसमें 1 चम्मच भर के सॉल्ट डाल दिया है। ये व्हाइट वाला सॉल्ट था। अभी 1/4 टीस्पून जो है वो ब्लैक सॉल्ट डाल देंगे, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून के 1/2 टीस्पून ही जीरा पाउडर डाल देंगे और 1/2 टीस्पून ही हम गरम मसाला डाल देंगे। थोड़ी सी 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देते हैं इसमें थोड़ी सी, और हल्दी 1/4 टीस्पून। ठीक है, अब इसके अलावा हम इसमें 1 चम्मच भर के डाल देंगे, 1.5 चम्मच के करीब जो हमारे पास अनारदाना पिसा हुआ है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है आलू में। और यहाँ पे 1.5 चम्मच के करीब मैंने लगा दिया है। यहाँ पे हमारे पास है, ये देखिए अनियन जो है चॉप किए हुए, ये 2 बड़े अनियन थे, ये मेरे पास कैबेज थी तो मैंने उसको 1 कप के करीब जो कैबेज यहाँ पे ले ली है। चॉप भी कर सकते हैं और चाहे तो ग्राइंडर में थोड़ा मोटा मोटा ग्राइंड भी कर सकते हैं। और ये 2 हरी मिर्च थी, ये भी डाल देंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास है स्पेशली कटा हुआ जो कोरिएंडर, तो देखिए ये भी हम इसमें डाल देंगे। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे हम आलू का पराठा बनाने के लिए सारा मिक्सचर रेडी करते हैं ना, वैसे ही आप चाहे तो सिंपल भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे, मेरे पास वेजेस थी तो मुझे मैंने अच्छी लगी, मैंने सोचा चलो वेजेस के साथ बनाते हैं। देखिए यहाँ पे प्लेट में मैंने जो है आटा स्प्रिंकल कर लिया है। यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। और देखिए थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, तो ये जो मोज़रेला चीज के पीसेस हैं तो ये हम टिक्की के अंदर लगा देंगे। हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, छोटे छोटे बाउल्स ले लेंगे इसमें से, छोटे छोटे बाउल्स, जितने भी साइज की आपको टिक्की चाहिए उतने हिसाब से आप बना सकते हैं। थोड़ी सी ज्यादा लूंगी मैं इसमें से, और देखिए एक हाथों से ऐसे दबाते हुए एक कटोरी की तरह बना लूंगी। तो इस तरीके से 2-3 दिन पीसेस जो है वो आप इसमें डाल सकते हैं। इस तरीके से बंद कर लेंगे और हल्का हल्के हाथों से घुमाते हुए इसको हम टिक्की की शेप दे देंगे। आप चाहें तो किसी भी तरीके की शेप के बना सकते हैं, लेकिन मैं गोल गोल शेप में बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसी हमारी टिक्की जो है वो रेडी हो जाएगी। हल्का सा उसको प्रेस करते हुए ध्यान से टूटे, और देखिए प्लेट्स में रखते जाएंगे, सारी ही इसी तरीके से बना लेंगे। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारी सारी टिक्कियाँ बनकर रेडी हो गई हैं, तो अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है बस 2 चम्मच के करीब, तो अच्छे से इसको हिला लेंगे, तेल गर्म हो जाए, फिर धीरे धीरे से एक एक टिक्की को उठा के उसमें डालना शुरू करें। सर्दी की आवाज आ रही है ना, बहुत ही आराम के साथ इस तरीके से हम अपने सभी टिक्कियों को। थोड़ा सा पैन को हिला लें ताकि सभी में ऑयल जो है वो लग जाए। ये सिकते हुए 2 मिनट हो गए हैं, तो साइड चेंज कर लेंगे। ये कितना अच्छा सा कलर जो है उसके ऊपर आराम के साथ बाकी की भी साइड सभी की चेंज कर। इस तरीके से सारी टिक्कियां बना लेंगे और फिर बाद में सर्व करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, एक टिक्की मैं आपको चेक करवाती हूँ कि वो बीच में से जो चीज़ है वो सारा मेल्ट हो गया है, और देखिए कितनी अच्छी जो टिक्की है वो रेडी हो गई है। दूसरा बैच भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। बन गई है और ये सर्व करने के लिए अभी रेडी हो गई। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी, मुझे कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेल्दी डे।